मूवी की शुरुआत में हम हेडली को देखते हैं जो कि अपनी फ्लाइट के लिए 4 मिनट लेट हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी फ्लाइट छूट जाती है। हेडली बस 3 चीजों से डरती है, मेयोनीज, क्राउडेड जगह से और डेंटिस्ट से। और वो अमेरिका से लंदन अपने डैड से मिलने जा रही होती है क्योंकि उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था और वो दूसरी शादी करने जा रहे थे। तो हेडली उनकी शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी। एयरपोर्ट पर उसे पता चलता है कि एक दूसरा प्लेन भी लंदन जाने वाला है जिसकी बिजनेस सीट में 2 सीट खाली है। वो अपने डैड को कॉल करती है और उनको बोलती है कि उसकी फ्लाइट छूट गई है और वो अब दूसरी फ्लाइट से आ रही है। उस प्लेन में बिजनेस सीट की 2 सीट खाली थी। उसके डैड बोलते हैं कि वो उसकी टिकट का पैसा उसे भेज देंगे। अब हेडली नेक्स्ट फ्लाइट से जाने के लिए रेडी होती है, तभी हेडली देखती है कि उसके फोन में बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वो एयरपोर्ट पर फोन चार्ज करने की जगह ढूंढ रही होती है, तभी एक लड़का ओलिवर उसको अपना चार्जर देता है। उसको भी 3 चीजों से डर लगता था, अंधेरी जगहों से, जंप्स और सरप्राइजेस से। ओलिवर हेडली से कहता है कि उसका फोन चार्ज हो गया है और वो उसके चार्जर को यूज कर सकती है। ओलिवर बताता है कि वो येल यूनिवर्सिटी में मैथ्स का स्टूडेंट है, जिसे सुनकर हेडली उसकी प्रशंसा करती है। हेडली उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो लंदन जा रहा है। हेडली भी कहती है कि वो भी लंदन जा रही है। अब उनके फ्लाइट के जाने में अभी कुछ टाइम होता है, इसीलिए वो दोनों लंच करने के बारे में सोचते हैं। वहाँ पर ओलिवर बताता है कि वो मेयोनीज से भी नफरत करता है, जिस पर हेडली कहती है कि मुझे भी ये पसंद नहीं है। वहाँ पर ओलिवर को उसके भाई लूथर का कॉल आता है। वो बताता है कि जब वो लंदन आएगा उसके पास उसके लिए सरप्राइज है, जिस पर ओलिवर बोलता है कि उसे सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लूथर बोलता है कि ये सरप्राइज अच्छा है और तुम इसे पसंद करोगे। इसके बाद वो अपना फोन कट कर देता है। अब उन दोनों की फ्लाइट का टाइम हो जाता है और वो वहाँ से भागते हैं। वो दोनों प्लेन पर आ जाते हैं। हेडली की सीट बिजनेस क्लास में होती है, तो वो प्लेन में बिजनेस क्लास में बैठी होती है। वहीं पर ओलिवर इकोनॉमी क्लास में बैठता है, पर ये दोनों बार बार एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब जब प्लेन उड़ने वाला होता है तब ओलिवर को पता चलता है कि उसका सीट बेल्ट खराब है और वो एयर होस्टेस को इसके बारे में बोलता है, जिसके बाद एयर होस्टेस प्लेन में दूसरी सीट के लिए पता करती है और उसे पता चलता है कि हेडली के बगल में एक सीट अभी भी खाली है, जिसके बाद वो उसे बिजनेस क्लास में हेडली के पास भेज देते हैं। ये दोनों फिर से एक साथ होकर काफी खुश होते हैं। अब जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो हेडली को डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो ओलिवर का हाथ पकड़ लेती है और बाद में वो ओलिवर को उसके लिए थैंक्स बोलती है। ओलिवर उससे पूछता है कि वो लंदन क्यों जा रही है, जिस पर वो बोलती है कि वो अपने डैड की दूसरी शादी में जा रही है। वो कहती है कि अब उन्हें फिर से अपनी सेकंड वाइफ से वादे करने पड़ेंगे जो उन्होंने मेरी मॉम से किए थे। वो बताती है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे दुनिया को क्यों दिखाना है, बल्कि रियल लव वो होता है जब उसका पार्टनर उसके सबसे खराब टाइम में उसके साथ हो। ओलिवर कहता है कि मैरिज प्रॉमिसेस की तरह होती है, पर हेडली बोलती है कि हर प्रॉमिस पूरे नहीं होते। अब ये दोनों अपने खाने के लिए चिकन ऑर्डर करते हैं। ओलिवर कहता है कि ये हमारी सेकंड डिनर डेट है, जिसके बाद वो डिनर करते हैं और अब दोनों सोने के लिए रेडी होते हैं। ओलिवर अपने कपड़े चेंज करके आता है, जिसको देखकर हेडली उसके मजे लेती है। वो कहती है कि वो इन कपड़ों में काफी सुंदर लग रहा है। हेडली ओलिवर को एक बुक दिखाती है जो उसके डैड ने उसको दी होती है। वो कहती है कि ये बुक मेरे डैड के काफी क्लोज थी और मैंने इसे पढ़ी भी नहीं है, लेकिन मैं इसे अब उन्हें लौटाने जा रही हूँ। कुछ देर के बाद हेडली वहीं पर सो जाती है, जिसके बाद ओलिवर अपनी फैमिली के बारे में सोचता है जब उसकी मॉम उसे कॉलेज के लिए छोड़ने आई थी। वो सब एक पेज में लिखता है, तभी हेडली की आँख खुल जाती है। वो कहती है कि क्या तुम कोई स्पीच तैयार कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। वो कहता है कि तुम्हें अपने डैड को वो बुक नहीं लौटानी चाहिए। हेडली कहती है क्यों नहीं, जिस पर वो बोलता है क्योंकि तुम अपने डैड के काफी क्लोज थी, इसीलिए तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। ओलिवर बताता है कि उसका भी एक भाई है, उसका नाम लूथर है और वो 2 साल मेरे से छोटा है। हेडली पूछती है कि क्या वो दोनों क्लोज हैं, जिस पर ओलिवर बोलता है कि जब वो दोनों छोटे थे तो उसकी माँ बहुत ही बीमार पड़ गई थी, इसलिए वो दोनों काफी अलग हैं। हेडली पूछती है कि क्या उसकी माँ अब ठीक है। वो बोलता है कि उसकी माँ 14 साल तक बीमार थी, लेकिन फिलहाल अब वो ठीक है। ओलिवर बोलता है कि अब हमें सोना चाहिए और सोने से पहले वो दोनों एक साथ वॉशरूम जाते हैं। वहाँ पर दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बार बार कोई ना कोई आ रहा होता है, जिसके बाद ये दोनों सोने के लिए डिसाइड करते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेन में अनाउंसमेंट होता है कि वो 15 मिनट में लैंड करने वाले हैं। ओलिवर हेडली से पूछता है कि उसके डैड की शादी कहाँ पर होने वाली है, जिसके बाद वो उसे एक जगह का नाम बताती है। हेडली भी उससे पूछती है कि वो कहाँ पर जाने वाला है और वो भी उसे अपने एड्रेस के बारे में बोलता है। ओलिवर कहता है कि वो उसके डैड से मिलने आएगा, जिस पर हेडली बोलती है कि जब तक मैं 5 बार किसी के साथ डेट पर नहीं जाऊंगी तब तक कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। ओलिवर कहता है कि वो लड़की बोल रही है जो अपनी पहली ही डेट पर मेरे साथ सो गई। हेडली बोलती है कि तब तो मुझे अपने रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। खैर, कुछ देर के बाद प्लेन लैंड हो जाता है। अब ये दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट पर यूके के सिटीजन्स और अमेरिकन सिटीजन्स की लाइन अलग होती है, जिससे हेडली और ओलिवर भी अलग हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ओलिवर अपना नंबर हेडली के फोन पर टाइप कर देता है, पर जैसे ही वो उसका फोन वापस करता है उसका फोन वहीं पर गिर जाता है और लॉक हो जाता है। जब वो अपना फोन उठाती है उसमें ओलिवर का नंबर भी चला जाता है। हेडली बाहर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे ओलिवर कहीं नहीं दिखता। अब वो अपने डैड की वेडिंग के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पर वो रेडी होकर अपने डैड की वेडिंग अटेंड करती है। वो ओलिवर के बारे में बार बार
सोच रही होती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि वो और उसकी वाइफ चाहती है कि वो रिसेप्शन में उसके साथ डैड और डॉटर वाला डांस करे। पर तभी रिसेप्शन में कुछ लोग बात करते हैं कि एक लेडी को लगभग 14 साल से कैंसर था और उसकी याद में एक मेमोरियल रखा गया है। उसके दो बेटे थे जिसमें से एक अपनी माँ को देखने के लिए अमेरिका से आया है। ये सुन के हेडली को लगता है कि वो लोग शायद ओलिवर की बात कर रहे हैं और वो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वो अपने डैड से बोलती है कि वो कुछ घंटों में वापस आ जाएगी। अब इसके बाद हमें ओलिवर की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उसका भाई लूथर एक डीजे लेकर एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करता है और इसी सरप्राइज के बारे में उसने बात करी थी। लेकिन वहाँ पुलिस ऑफिसर उसे डीजे बजाने से रोकते हैं और उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और जब तक हेडली बाहर आती है तब तक ओलिवर अपने भाई लूथर के साथ वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में ओलिवर हेडली के फोन का वेट कर रहा था लेकिन हेडली ने उसका नंबर खो दिया था। अब ये दोनों अपनी माँ के मेमोरियल में जाते हैं जहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे रहा होता है, पर ओलिवर बस हेडली के बारे में सोच रहा होता है और वो फंक्शन से उठ के बाहर आ जाता है। तभी हमें हेडली को दिखाया जाता है जो बस से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ओलिवर की माँ का मेमोरियल था। दूसरी तरफ ओलिवर की माँ ओलिवर के पास आती है। ओलिवर काफी दुखी होता है और यहां पर हमें पता चलता है कि ओलिवर ने अपनी माँ की कैंसर रिपोर्ट्स देखी है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने कैंसर की दवाइयां बंद कर दी है और अगर वो दवाइयां बंद नहीं करती तो वो 6 महीने और भी जी सकती थी। उसकी माँ कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कब तक जिएगी। उसकी माँ उसे फंक्शन में चलने के लिए बोलती है पर वो थोड़ी देर बाद आने के लिए बोलता है। इधर हेडली भी बाहर लूथर से मिलती है और उसको ओलिवर के बारे में पूछती है। वो उसे अंदर लेके आता है और अपने पेरेंट्स से मिलाता है। तभी वहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है। हेडली उसके पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब ये दोनों बाहर बैठे होते हैं तभी हेडली कहती है कि तुमने अपनी माँ के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, जिस पर ओलिवर हेडली से रूडली बोलता है। वो कहता है कि मैं कुछ टाइम पहले ही मिली लड़की से क्या बताऊं कि मेरी माँ मरने वाली है और हम उसके मरने से पहले ही उसका मेमोरियल सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसको सुन के हेडली को बुरा लगता है और वो कहती है कि शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लूथर बाहर आता है और ओलिवर को बोलता है कि उसकी स्पीच का टाइम हो गया है। ओलिवर वहाँ से जाते वक्त हेडली को सॉरी बोलता है और उसको भी बुरा लग रहा था कि उसने हेडली से ऐसे बात करी। लेकिन हेडली वहाँ से चली जाती है। ओलिवर बार बार मुड़ के उसे देख रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बताती है कि उसका बैग बाहर छूट गया था। दरअसल ये बैग ओलिवर का नहीं बल्कि हेडली का था, जिसे देखकर ओलिवर खुश होता है। वो हेडली का बैग लेकर अंदर आ जाता है। वहाँ पर वो स्पीच देता है जो उसने प्लेन में लिखी थी और वो बार बार हेडली के बैग को देख रहा था। उसकी स्पीच सुन के उसकी माँ रोने लगती है। वो अपनी माँ को हर चीज के लिए थैंक्स बोलता है। अब इसके बाद हमें हेडली को दिखाया जाता है और उसे याद आता है कि वो अपना बैग ओलिवर के पास भूल गई है। उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। वहाँ पर वो एक आदमी से उसका सेल फोन लेती है और उससे अपने डैड को कॉल करती है। वो उनको रोते हुए बोलती है कि वो कहीं पर खो गई है। उसके डैड उसको वहाँ का एड्रेस पूछते हैं, जिसके बाद वो अपनी नई वाइफ के साथ उसको ढूंढने जाते हैं। कुछ देर के बाद हेडली के डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हेडली अपने डैड को देखकर उनको गले लगाती है और उनसे ओलिवर के बारे में बोलती है। साथ में वो ये भी बोलती है कि मैं पागल थी जो कुछ घंटे पहले मिले लड़के को ढूंढने के लिए आपकी पार्टी बर्बाद कर दी। उसके डैड बोलते हैं कि तुम पागल नहीं हो बल्कि तुम बहादुर हो जो तुमने इतना कुछ अकेले किया। वहाँ पर वो उसके डैड की न्यू वाइफ से भी मिलती है जो उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है। अब ये तीनों फिर से पार्टी के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ लूथर हेडली का बैग चेक करता है और उसमें से वही बुक निकालता है जो हेडली के डैड ने उसको दी होती है। ओलिवर उसको वो बुक रखने के लिए बोलता है पर उसके डैड वो बुक ले लेते हैं और उसमें वो हेडली के डैड का वेडिंग कार्ड देखते हैं, जिसके बाद ओलिवर के मॉम डैड उसको हेडली से मिलने के लिए भेजते हैं। इधर हेडली अपने डैड के साथ होती है और ये दोनों काफी खुश होते हैं और वो अपना डैड एंड डॉटर वाला डांस भी करते हैं। दूसरी तरफ ओलिवर अपनी पूरी फैमिली के साथ हेडली से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। अब जब पार्टी खत्म हो जाती है और सारे लोग चले जाते हैं, हेडली अकेले बैठी होती है। वो ओलिवर के बारे में सोच रही होती है। ओलिवर जब हेडली के घर के सामने पहुंचता है वो अपनी फैमिली को वहां से जाने के लिए बोलता है और वो हेडली का बैग लेके उसके घर के सामने जाता है। वो हेडली को आवाज लगाता है। तभी हेडली उसको खिड़की से देख लेती है और वो बाहर आती है। ओलिवर उससे कुछ भी बोलने के लिए बोलता है पर हेडली उसको बोलती है कि पहले तुम कुछ बोलो, जिस पर वो बोलता है कि उसे सरप्राइजेस से बहुत डर लगता है। वो कहता है कि मुझे कैंसर से भी बहुत डर लगता है और सबसे ज्यादा डर दिल टूटने से लगता है। अब वो हेडली से कुछ बोलने के लिए बोलता है, जिसके बाद हेडली उसके पास आती है और वो उसको किस करती है। वो उसको बोलती है कि ये सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा, जिस पर वो बोलता है कि ये सरप्राइज मेरे लाइफ का बेस्ट सरप्राइज है। हेडली बोलती है तब भी जब तुम्हें उस लड़की ने दिया जिससे तुम कुछ घंटे पहले ही मिले हो। ओलिवर कहता है कि हाँ, स्पेशली उस लड़की से जिससे मैं कुछ घंटे पहले ही मिला। अब ये दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।